In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ सईद, आर्किटेक्ट मैप 3DH आर्किटेक्चर स्टूडियो से। तो जिस तरह हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसका लेआउट किस तरह करते हैं 5 मरले का, ठीक है, तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो आए तो आप तक पहुँच सके। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है फाउंडेशन की जो है खुदाई हो चुकी है, ठीक है, आप देख रहे हैं किस तरह, मतलब काफ़ी गहरा प्लॉट है। तकरीबन जो है इसकी गहराई 10 फीट के जो है राउंड अबाउट पहुँच गई है। तो मतलब कह लेंगे एक स्टोरी की मुकम्मल ईंटें जो है नीचे लगेंगी। तो ये काफ़ी गहरा प्लॉट है और इसके जो आपने खुदाई करवानी है वो 2 फुट 9 इंच है ड्राइंग के मुताबिक हमने की है और 2.5 फीट इसकी गहराई है। इसमें 6 इंच जो है ना अब हम BCC करेंगे। प्लॉट जो ना काफ़ी नीचे से मतलब सख्त मट्टी आ गई है। ये भाईजान ने पानी शानी लगा के ना इसकी खुदाई की है और पीछे से कुछ हिस्सा रह गया और फ्रंट पे बाउंड्री वॉल की जो है वो रह गई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर जो आपकी BCC दी हुई है या RCC दी हुई है वो चेंज दी होती है, ठीक है। इसमें 2 मटेरियल आप शामिल कर सकते हैं, एक रोड़ा होता है, ठीक है, जिसको मतलब ब्रिक से हम बनाते हैं, दूसरा जो होता है वो गीटा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना है पैसे की, जो आपका बजट है ना उसके मुताबिक आपने उसको देखना है, ठीक है, उसके मुताबिक आपने डालना है। तो कोशिश करना है कि आप अच्छा मटेरियल डालना है ताकि आपको बाद में जो ना परेशानी ना आए। तो इंशाल्लाह जब वो प्रोसीजर करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे।